देखिए, आपके जीवन में कोई भी जुड़ेगा, कोई भी हटेगा, आपके जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और बच्चा माता पिता का अंश होता है, इसलिए बच्चे के ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है। बच्चे का जन्म माता पिता के पूर्व जन्म के पुण्य से और भाग्य से ही होता है। हर बच्चे के ग्रह, खास तौर से बृहस्पति, शनि और मंगल, ये माता पिता से जुड़े होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर भी असर डालते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों के जन्म लेने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेते ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, बच्चे के कुछ खास ग्रह माता पिता के जीवन पर गंभीरता से प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। हालांकि बच्चे का स्वतंत्र भाग्य 12 वर्ष के बाद काम करता है, लेकिन उसके ग्रहों का थोड़ा या ज्यादा प्रभाव उसके जन्म के साथ ही उसके माता पिता के जीवन पर पड़ने लगता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, और जन्म से लेके 12 वर्ष तक इस चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बच्चे का चंद्रमा सीधे तौर से उस बच्चे के माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। साथ ही बच्चे का संबंध माता के साथ अच्छा नहीं रहता। अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जब उसका चंद्रमा निगेटिव है या खराब है, तो इसका दुष्प्रभाव उसके माता के जीवन पर जरूर पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता अपने लिए और बच्चे के लिए पूर्णिमा का व्रत रखेंगी। बच्चे की माता रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगी। साथ ही साथ बच्चे और उसकी माँ दोनों को चांदी का चंद्रमा अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा भी स्वस्थ सुरक्षित रहेगा और माता को भी दिक्कतें नहीं होंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।